नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। मध्य प्रदेश सशक्त जन आयुक्त संदीप रजक डिंडौरी के शाहपुरा पहुंचकर जनपद पंचायत शाहपुरा के सभागार में अधिकारी कर्मचारियों की बैठक ली। बैठक में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि शाहपुरा और महेंद्रवानी में निशक्त जनों और दिव्यांगों की पहचान कर पंजीबद्ध करके उनका इलाज कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र का भी निर्माण करवाने की भी बात कही। स्कूलों और अन्य शासकीय भवनों के निर्माण कार्यों के तहत समीक्षा की गई, जिसमें बताया गया कि निशक्त जनों और दिव्यांगों की सुविधा हो इसके लिए रैंप का निर्माण अनिवार्य रूप से कराया जाए। साथ ही कोरोना को लेकर भी समीक्षा की गई, जिसमें बाहर से आए लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने बताया कि सभी को सोशल डिस्टेंस का पालन करना चाहिए, मास्क लगाकर ही काम करना है, क्योंकि कोरोना वायरस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसके लिए सभी को सावधानी बरतनी होगी। साथ ही दिव्यांग लोगों को भी समझाइश देना है कि स्वास्थ्य विभाग आयुष विभाग की गाइडलाइन का पालन करें। रजक ने बताया कि राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा 25 अगस्त से चल रहा है, जिसमें नेत्र रोग से संबंधित निशक्त जनों को चिन्हित किया जा रहा है, जिसमें डिंडोरी जिले के शाहपुरा महेंद्रवानी में कार्निया ब्लाइंडनेस से फ्री जोन बनाने का लक्ष्य है। यहां जनजाति कल्याण केंद्र बनगांव भी अच्छा काम कर रही है। उनके सहयोग से जबलपुर के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पवन स्थापक के द्वारा इलाज किया जाएगा। शाहपुरा महेंद्रवानी में अंजू अरुण कुमार एसडीएम के नेतृत्व में दिव्यांगजनों निशक्त जनों को चिन्हित कर उनका इलाज कराना सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस बैठक में एसडीएम अंजू अरुण कुमार, सीईओ के रैकवार सहित जिले के तमाम अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। 2016 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी मध्य प्रदेश के जिला स्तर पर दिव्यांगजनों की सुविधाएं, उनके संसाधन और हमारा जो अमला काम करता है वो विधिवत उनके लिए सेवा का काम कर सके, उनके उन्नयन के काम कर सके, इसके लिए हमारा यहाँ जिला स्तर पर दौरा है, दो दिवसीय दौरा है। इसमें हमने आज सैपरा जनपद में यहाँ आज बैठक ली, इसमें शासन के सभी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो सभी यहाँ मौजूद थे। और विशेष रूप से जो अभी राष्ट्रीय नेत्रदान जो पखवाड़ा है, जो 15 दिवस का ये जो आयोजन होता है, इसमें हम लोग जो है वो नेत्र से रोग से संबंधित जितने भी लोग हैं या नेत्रहीन जो लोग हैं उनके लिए इसमें काम किया जाता है, तो उसका एक यहाँ पर आज शुभारम्भ किया है। उसमें सैपुरा जो है वो तहसील और महेंद्रवानी तहसील, इन दो तहसीलों को विशेष रूप से गोद लेकर के और 100% यहाँ पर कैटरेक्ट फ्री जोन बनाने की बात है, और जो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस जो होती है उससे फ्री जोन बनाने की बात यहाँ पर हुई है, जिसमें यहाँ पर जो यहाँ की जो SDM है अंजू, उनके नेतृत्व में एक पूरी टीम का गठन किया गया है और वो यहाँ पर उसको हम लोग विधिवत काम करेंगे। और विशेष रूप से इसमें जो यहाँ पर जनजाति कल्याण केंद्र बड़गांव है और एक सक्षम संस्था है। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।